नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग्रेज लगातार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। अपराधियों का मनोबल सातवें आसमान पे, कंधे में लटका हुआ लोडेड देसी कट्टा सहित 162 जिंदा कारतूस के साथ अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा। प्रेस वार्ता की नवगछा एसपी ने दी जानकारी। भागलपुर के नवगछा में लोडेड देसी कट्टा और जिंदा 162 कारतूस के साथ अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जिसकी जानकारी नवगछा एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी। 16 अप्रैल को 4 बजे शाम में गुप्त सूचना मिली थी कि सिंहकुंड गांव के रूतल राय द्वारा अवैध देसी कट्टा एवं गोली खरीद बिक्री किया जाता है। इसकी सूचना थाना अध्यक्ष के द्वारा वरीय पदाधिकारी को दी गई। तत्पश्चात वरीय पदाधिकारी द्वारा संबंधित थाने की पुलिस, सशस्त्र बलों एवं टेकना कैंप पर तैनात एसटीएफ की टीम को लेकर छापेमारी का आवश्यक निर्देश दिया गया। वही छापेमारी दल को सिंहपुर रुदल राय के घर पे पहुंचते ही पुलिस को देखते ही दो व्यक्ति रुदल राय के घर से दक्षिण की ओर भागने लगा। टीम के द्वारा एक व्यक्ति को खदेड़ कर पकड़ा गया एवं दूसरा व्यक्ति घने मकई के खेत में घुसकर भागने में सफल रहा। वही पकड़े हुए व्यक्ति का तलाशी लेने पर उनके दाहिने कंधे में लटका हुआ लोडेड देसी कट्टा, जिसकी लंबाई करीब 18 इंच एवं बाएं कंधे पर लटका हुआ नीले एवं काले रंग के कपड़े में थैला, जिसमें 162 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। साथ ही पकड़े हुए अभियुक्त राहुल कुमार को पुलिस अभिरक्षा में लेकर बरामद अग्नि अस्त्र एवं गोली को विधिवत जब्ती सूची तैयार कर जब्त किया गया है। देखिए, कल दिनांक 16/4 को थाना प्रभारी नदी को सूचना मिली कि सिंहकुंड में उदल रहा है, वो उसके पास हथियार गोली है जो किसी को सप्लाई करने वाला है, बेचने वाला है। इसकी जानकारी हम लोगों को दी गई। तत्काल टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी नदी, थाना प्रभारी प्रोफेशनल सब इंस्पेक्टर राहुल खड़ी थाना से, और वहाँ आपको होगा जानकारी एसटीएफ टीम भी कैंप कर रही है टेकुना दिया। तत्काल उसे भी बुला लिया गया, पूरा घेराबंदी किया गया। घेराबंदी करने वाला छापामारी क्रम में रुदल जो है अपने घर से दो आदमी भागता है, इसमें से कि रुदल भागने में कामयाब हुआ, उसका लड़का भी उसके साथ में था। जिसकी जमा तलाशी ली गई, तलाशी नियमों का पालन करते हुए उसके पास ये 18 इंची का जो देसी कट्टा है, एक चाकू है और 162 ये आप कारतूस देख रहे हैं इस झोले, इस बैग में बरामद हुआ। यानी कि जो हम लोग जानकारी थी कि रुदल का लड़का मिल करके ये जो देसी कट्टा है और ये कारतूस है, जितना भारी संख्या बरामद हुआ है, वो बेचने का काम करता है। हम लोग ये पूछताछ उन्होंने किया है, हम लोग पता कर रहे हैं कि इसका स्रोत क्या है, इन्होंने ये इतना भारी संख्या में कारतूस कहाँ से लाया और ये किन्हें इन्हें सेल करना था, उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं और बहुत जल्द चिन्हित कर उसके तार भी करें। किसी गांव से गिरफ्तार हुआ है? ये सिरकुंड गांव पड़ता है, नेत्रना पड़ता है। कब ये गिरफ्तार हुई? कल सोता है। क्या उसका आपराधिक इतिहास है सर? हम लोग उसे देख रहे हैं ना, उसके इतिहास है पर सुधार रहे हैं। सर, इस गिरफ्तार छापेमारी में मिला है सर, क्या औचक में छापेमारी हुई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये थाना अध्यक्ष नदी को सूचना मिली थी, गुप्त सूचना मिली थी, जो उन्होंने हम लोगों से शेयर किया कि सर ये सूचना मिल रही है कि रुदल राय हथियार और गोली का किसी को सेल करने वाला है। तो तत्काल, चूंकि समय बहुत कम था, तत्काल जो वहाँ पर टेकना देरा में एसटीएफ बल कैंप कर रही है, वो खड़ी से प्रोफेशनल राहुल आ गए। थाना प्रभारी स्वयं अपने थाना के दल बल सही थे, पूरा घेराबंदी करके रेड करने पर एक की गिरफ्तारी हुई, जिसका नाम है राहुल, वो रुदल का लड़का है, रुदल भागने में सफल हुआ। इसके पास निश्चित रूप से ये हथियार तो ये उसी के लिए होता ही है, लेकिन थाना प्रभारी नदी के तत्परता से, सूझबूझ से ये रिकवरी बरामदगी हुई और देखो घटना होती तो ये टल गया। कितनी बड़ी उपलब्धि है? मैं इसे बहुत उपलब्धि कह सकता हूँ और आपने भी देखा कि एक जयराम घटना घटी भी है।